गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल चिल्ड्रन। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ सप्लीमेंट्री बुक, दैट इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस चैप्टर इज अ बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट। ही वॉज अ साइंटिस्ट। सो एंड ही गेव अ थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। सेल्स, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, इस बात का पता उन्होंने लगाया था। एंड सिंस हिज चाइल्डहुड ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। बहुत क्यूरियोसिटी उनके मन में रहती थी। एंड हाउ हिज मदर हेल्प्ड हिम आउट इन गेटिंग हिज गोल्स। उनके जो गोल्स थे उनकी मदर ने उनको किस तरह से हेल्प की। एंड उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था, किस किस तरह से उन्होंने लाइफ में क्या क्या स्टेप्स देखे और किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस चैप्टर। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ सी रिचर्ड ए ब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सरले स्कॉलर अवार्ड एंड द शेयरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी। रिचर्ड ए ब्राइट ने सरले स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लॉ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूल बायोलॉजी में हासिल किए। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये उनका आकर्षण था, फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए, जिसने उन साइंस के ये जो वर्ड था, साइंस का जो वर्ड था, ये उसके लिए उनके लिए खोल दिया। नाउ सी एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ योर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। 22 की एज में एक स्काउट ऑफ द ईयर ने एक साइंटिफिक वर्ड को एक्साइटेड कर दिया एक नई थ्योरी देकर। वो थ्योरी थी हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स किस तरह से काम करते हैं। रिचर्ड एच ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल में उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया उनके फ्रेंड्स ने। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब इस साइंस इस जर्नल में किसी कॉलेज के स्टूडेंट की कोई थ्योरी पब्लिश की गई हो। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग। स्पोर्ट्स में वो किसी लीग से कम नहीं है। एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन फॉर फर्स्ट टाइम एट बैट। यानी कि जैसे स्पोर्ट्स में एक लीग बना देते हैं 15 ईयर्स की एज में, वो इससे कम नहीं है। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। ये सब बटरफ्लाई से ही स्टार्ट हुआ था। एंड ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग इज अ प्लेस वेयर ही टुक बर्थ, पेनिनसुलावेनिया। पेनिनसुलावेनिया में रीडिंग में उनका जन्म हुआ था। देयर वॉज एंड मच आई कुड डू देयर। He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. He didn't take much interest in games and all. Football, baseball वगैरह में उनको बहुत ज़्यादा interest नहीं था, सिर्फ एक चीज़ में interest था और वो था to collect the things, चीज़ों को collect करने में। So he did, और ऐसा ही वो करते थे। And did he ever, ऐसा ही वो करते रहे। Beginning in kindergarten, E. Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his achievement activities. अपनी starting से ही, जब वो बहुत छोटे से थे तब से ही वो पूरी determination के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो चीज़ों को collect करते थे, butterflies को collect करते थे, तितलियों को। He also collected rocks, fossils and coins. Coins, rocks, fossils और coins भी वो collect करते थे। He became an eager astronomer who sometimes stayed stargazing all night. एक बहुत ही ईगर उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गए वो, जो रात में स्टार्स वगैरह को गेज करते रहते थे, घूरते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। स्टार्टिंग से ही उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता थी, चीज़ों को जानने की चाह थी। उनकी मदर ने भी उनको बहुत एनकरेज किया, उनको उनका जो इंटरेस्ट था लर्निंग में उसको सीखने के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स।
स्पोर्ट ट्रिप्स पर लेकर जाती थी उनको, बॉट हिम टेलीस्कोप्स माइक्रोस्कोप्स, उनको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दिलवा कर दिए, कैमराज दिलवा कर दिए, माउंटेनिंग मटेरियल दिलवा कर दिए एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। बच्चों की क्यूरोसिटी को उन्होंने बच्चे की क्यूरोसिटी को उन्होंने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में लिया और हर वो चीज़ जो उनको जो उनके बच्चे के लिए यूज़फुल होने वाली थी वो उन्होंने उनके लिए अरेंज की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उसकी मदर कह उनकी मदर कहती हैं कि जब तक उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था मैं तब तक मैं उसकी अकेली में ही उसकी कंपेनियन थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग हिम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। जब रिची थर्ड यानी कि रिचार जब थर्ड ग्रेड में थे, तीसरी क्लास में थे, थर्ड क्लास में थे, तब उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और उनकी मदर उनको अच्छे से उनको कंपनी देती थी, उनके साथ बातें शेयर करती थी, टाइम स्पेंड करती थी। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ़ ही डिंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सेड ही लाइक इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। उनकी मदर कहती हैं कि अगर उनके पास कुछ काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं उनको वर्क असाइन कर देती थी, और वो भी फिज़िकल वर्क नहीं, वो भी लर्निंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते थे, क्योंकि वो उनको सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न अपग्रेड्स इन स्कूल, टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स वो लेकर आते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। उनकी मदर कहती हैं कि दूसरे कामों में दो और बच्चों की तरह ही थे। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब वो सेकेंड ग्रेड में थी तो इब्राइट ने 25 स्पेसीज बटरफ्लाई की कलेक्ट कर ली थी उन्होंने। दीज आर द बटरफ्लाइज, ये वो कलेक्शन है जो उन्होंने कलेक्ट किया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स एक्स। वो कहते हैं कि ये सब कलेक्शन मेरा लास्ट कलेक्शन होता अगर मेरी मदर मुझे ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पर एक बुक ना ला कर देती तो। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। ये बुक हमें बताती है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका किस तरह से माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर। इस बुक ने एक उत्सुकता का एक मेरे लिए वर्ल्ड खोल कर रख दिया जिसमें बहुत ही क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, जानने की चीज़ें थी। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। उस बुक के लास्ट में रीडर्स को इनवाइट किया जाता था बटरफ्लाई के माइग्रेशन के लिए। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरकोहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर यूरकोहर्ट थे उनको टैग करने के लिए कहा जाता था बटरफ्लाइज में, मतलब बटरफ्लाइज को टैग किया जाता करने के लिए कहा जाता था रिसर्च के लिए। ए यूरकोहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। इब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर यूरकोहर्ट एंड सून इब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। इब्राइट की मदर ने डॉक्टर यूरकोहर्ट को लिखा और जल्दी ही इब्राइट ने भी एक बटरफ्लाई को टैग किया उसके विंग्स पर, उसके पंखों पर एक लाइट सा एडिसिव लगाकर। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। ये जो कलेक्टिंग सीजन था बटरफ्लाई का ये 6 weeks तक चला। इस ग्राफ में यू कैन सी दिस इन दिस ग्राफ हियर। अगर इनको अगर इनको वन बाई वन करके पकड़ना चाहो तो कोई भी इनको कैच नहीं कर सकता। You won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. इसलिए Ebright ने सोचा कि इन butterflies को raise किया जाए, यानी कि पैदा किया जाए इनको। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. इसलिए उन्होंने अपने basement में जो female monarch butterfly होती है उसके एग्स लिए, उसके एग को रेज किया, उनको फिर एक प्रॉपर वो जो उनकी साइकिल लाइफ साइकिल होती है वो डेवलप की,
एग, कैटरपिलर और प्यूपा, फिर उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बन गई। देन ही वो टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, फिर वो बटरफ्लाई की विंग्स को टैग करते थे, उनको जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था इसी तरह की चीज़ों से भरा रहा। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग्स बटरफ्लाई इट्स स्टेडियस एंड देयर इज नाउ नॉट मच फीडबैक। वो कहते हैं कि कुल मिलाकर धीरे धीरे ये काम मुझे बहुत ही टेडियस लगने लगा, थका देने वाला लगने लगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। ई ब्राइट सैड इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर। सिर्फ जितनी भी मैंने बटरफ्लाई टैग की थी उनमें सिर्फ दो ऐसी थी जिनको मैं रिकैप्चर कर पाया, यानी कि फिर से पकड़ पाया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो भी जहाँ पर मैं रहता था उससे 75 मील से ज़्यादा की दूरी पर नहीं थी। देन इन द सेवन्थ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वैन ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। फिर सेवन्थ ग्रेड में उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, उनको महसूस हुआ कि रियल साइंस होती क्या है, जब वो एक कंट्री साइंस फेयर में गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। वहाँ पर जाकर कुछ रिसीव ना करना, कुछ गेट ना करना, कुछ उनको ना हासिल होना, ये उनके लिए बहुत ही एक डिफरेंट सी फीलिंग देने वाला था, जबकि सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था वहाँ पर। इब्राइट सैड हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। उनकी जो एंट्री थी वो थी वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स की थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो वहाँ पर जो विनर्स हैं, जिन जो जीते थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो रियल एक्सपेरिमेंट्स थे, ना कि सिर्फ एक डिस्प्ले था, सिर्फ दिखाया ही नहीं था, उन्होंने कुछ वाकई में उन्होंने करके दिखाया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज एक्पियरिंग। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। वो डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फेयर तक मैं भी कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और उनका जो सब्जेक्ट होने वाला था वो था इंसेक्ट वर्क, जिसके ऊपर वो बहुत पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कहर्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्लैक ऑफ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट को लिखा और उनके पास एक रिप्लाई में कुछ सजेशंस भी आए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोस कैप्ट ई ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। इस प्रोजेक्ट ने ई ब्राइट को बहुत ज़्यादा बिजी रखा और उनको एक प्राइज प्रोजेक्ट्स पर भी लेकर आए, कंट्री लेवल पर और इंटरनेशनल साइंस फेयर लेवल पर। फॉर हिज एट ग्रेड प्रोजेक्ट ई ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीजेज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। एट ग्रेड में ई ब्राइट ने फाइंड आउट किया एक कॉज, जो वायरल डिजीज़ का कॉज था, कि ऐसा कौन सी डिजीज़ फैल जाती है मोनार्क कैटरपिलर्स में जो कि उनको मार देती है। इब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। इब्राइट ने सोचा कि जो डिजीज़ है ये बीटल से आती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उन्होंने बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेज करने की कोशिश की, उनको वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। वो कहते हैं कि मुझे कुछ खास इसकी वास्तविक रिजल्ट नहीं मिली। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शाउट दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन। वो कहते हैं कि बट फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा और मैंने कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने की, दिस टाइम आई वन, और इस बार मुझे जीत मिल गई। द नेक्स्ट टाइम हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियोरी दैट वाइसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। जो नेक्स्ट साइंस फेयर था वो उसमें उनका टेस्ट हो रहा था इस थ्योरी का कि जो वाइसरी बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। द थियोरी वाज दैट Viceroys look like monarch because monarch don't taste good to birds. ये थोड़ी थी कि जो Viceroys होती हैं वो look like monarch, वो monarch की तरह दिखती थी, क्योंकि monarch don't taste good to bird. monarch जो butterfly होती हैं वो birds को अच्छी नहीं लगती हैं, इसका reason ये था।
वाइस रॉज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जो वाइस रॉज होती हैं वो बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती हैं, खाने में टेस्टी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना कम ही वो बर्ड्स को का डिनर बन पाएंगी। इब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। इब्राइट का प्रोजेक्ट था ये देखना कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाती हैं कि नहीं। इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि जो स्टारलिंग होती हैं वो वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, वो ऑर्डनरी जो साधारण बर्ड्स की फूड होती हैं जो खाते हैं वो नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, जो मोनार्क जितनी भी मोनार्क उसको दिखती है वो ही खा सकती थी। इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली टू डू कॉपी द मोनार्क। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री काउंटी साइंस फेयर। इस प्रोजेक्ट को ये फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड प्राइज मिला काउंटी साइंस फेयर में। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हॉर्मोन। इनडायरेक्टली इट वॉज लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। सेकेंड ईयर में इब्राइट ने दूसरा अपना रिसर्च किया, वो था एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन का। इट ऑल्सो लेड उनकी जो ये थी उनकी थ्योरी थी लाइफ ऑफ सेल्स पर। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, वॉट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं 12, उनका क्या पर्पज़ होता है। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर किसी ने सोचा कि जो इनके स्पॉट्स हैं इस तरह के धब्बे हैं ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, यानी कि इनकी शोभा बढ़ाते हैं, इनको अट्रैक्टिव दिखाते हैं। इब्राइट सेड बट डॉक्टर यूरकहट डिडंट बिलीव इट। डॉक्टर यूरकहट को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ। टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुली डेवलपमेंट। इस आंसर को पाने के लिए इब्राइट और जो दूसरे एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने पहले एक डिवाइस बिल्ड की जो ये शो कर रही थी कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं बटरफ्लाइज के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ एक हार्मोन डेवलप करते हैं ये स्पॉट्स। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट ने जो इब्राइट का प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी फेयर में और इसको इनको इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में इसको इनको एंट्री मिल गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पर उनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहाँ पर उनको वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम वर्क करने का, लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ईब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। उन्होंने वहाँ पर भी मोनार्क प्यूपा पे वर्क करना कंटिन्यू रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द साइंस ड्यूरिंग द समर। वहाँ पर भी उनके जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्राइज मिला और उन्होंने वहाँ पर भी अपना लेबोरेटरी में वर्क करना जारी रखा, कंटिन्यू किया। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। सीनियर ईयर में वो कुछ और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फॉर्म अ मोनार्क विंग। उन्होंने मोनार्क विंग से, मोनार्क के जो पंख होते हैं उनसे सेल्स ग्रू किए इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड इन टू डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। और उन्होंने ये भी शो किया, उन्होंने ये भी दिखाया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं और डेवलप भी हो सकते हैं एक बटरफ्लाई के विंग में। इफ़ दे वर फेड द, अगर उनको वो हार्मोन खिलाया जाए, उनको हार्मोन जो गोल्ड स्पोर्ट से मिलता है। तो दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी। उसने भी उनका जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस उस प्रोजेक्ट ने हासिल किया इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। समर ग्रेजुएशन के बाद जो गर्मियाँ जो समर थी वो उन्होंने वहाँ पर लेबोरेटरी में अपना वर्क
कंटिन्यू किया, वहाँ पर वो करते रहे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। वहाँ से लौट कर फिर से उन्होंने गोल्ड स्पॉट्स पर वर्क किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हारमोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यूज़ करके वो हारमोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उनको स्टडी कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जर्नी ईयर इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ। एक डेढ़ साल के बाद उन्हें एक सेल्स लाइफ पर एक न्यू थ्योरी मिल गई। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हारमोन। जब वो एक एक्सरे फोटोज़ को देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर्स के हार्मोन को, तब उनको इसका रियलाइजेशन हुआ। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़ ही ब्राइट डिंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब उन्होंने इस फोटो को देखा तो उन्होंने कहा आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल। बट उनको पता था कि इन सब चीज़ों के साथ साथ इन फोटोज़ ने एक बायोलॉजी के पजल को भी एक आंसर दे दिया है, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कि जो सेल्स होते हैं वो इसके डीएनए का ब्लू प्रिंट कैसे पढ़ सकते हैं। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। ये फॉर्म और फंक्शंस को डिटरमाइन करता है किसी भी सेल की। दस डीएनए इज़ द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। इस तरह से जो डीएनए है वो लाइफ का ब्लू प्रिंट है। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। इब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे उन्होंने इसके ऊपर दिन रात काम किया, वर्क किया, पिक्चर्स ड्रॉ की, कंस्ट्रक्ट किया, प्लास्टिक के मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए, मॉलिक्यूल्स इनको सबको शो करने के लिए किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510 इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उसको कोई नहीं जानता था। रिचर्ड इब्राइट ने वहाँ से ग्रेजुएशन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छे हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। उनकी क्लास में 1510 स्टूडेंट्स थे और इब्राइट ने अपनी रिसर्च की, जो रिसर्चर एज ए रिसर्चर उन्होंने सब कुछ कंटिन्यू रखा वहाँ पर। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये सब हो जाता, ये सब प्रूफ हो जाता तो उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप होने वाला था ये। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। और कैंसर और अदर डिजीज़ को रोकने के लिए भी एक न्यू आइडिया होने वाला था ये। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हिज हाई स्कूल रिसर्चर एंड द पर्पज इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मॉनार्क पीपल इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियोरी अबाउट सेल लाइफ। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो स्टेप बाय स्टेप उनका इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज में, प्यूपा में, और वो उनकी रिसर्च करने में, यही सब चीज़ें उनको सेल लाइफ तक लेकर आई थी। रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट डीपली दैट ही हैज़ एंड टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। इब्राइट ऑल्सो बिकेम चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। साइंस में इतना इंटरेस्ट रखने के बावजूद भी उनमें डिबेटर, पब्लिक स्पीकर भी बहुत अच्छे थे वो। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर एंड पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। उनको फोटोग्राफी की स्किल्स भी बहुत अच्छी आती थी। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। ही टर्नड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग लर्निंग वॉज डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेरर हिज सोशल स्टडीज टीचर। एक उनके सोशल स्टडीज टीचर थे रिचर्ड ए वेरर, उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस थे एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। वो उनके बहुत अच्छे एडवाइजर भी थे। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन।
वो कहते हैं कि मिस्टर वेरर मेरे लिए बहुत मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, उन्होंने मेरे माइंड को एक नए आइडियाज़ के लिए खोल दिया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर वेरर बोलते हैं कि रिचर्ड हमेशा किसी भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। वॉट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन द 3 or 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि जो जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा प्लीज़ किया, इम्प्रेस किया, खुश किया, वो कि हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, जो ये इंसान 3-4 घंटे रात में एक्स्ट्रा लगाता था डिबेट रिसर्च करने में, बिसाइड उनके जितनी भी रिसर्च थी बटरफ्लाइज को लेकर उसके अलावा। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, फॉर विनिंग टू गेट अ प्राइज, रदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि वो जीतना चाहते थे, वो जीतना चाहते थे क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट अ प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करना चाहते थे इसलिए वो जीतना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, इन रियल सेंस ही वुड जस्ट वॉन्टेड टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यही वो चीज़ है जो एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद अ स्टार फर्स्ट रेट माइंड एट क्यूरियसिटी, फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करना, उसके अंदर क्यूरियसिटी होना, एंड मिक्स इन द विल टू विन, और इसके साथ वो फीलिंग मिक्स करना कि हाँ मुझे जीतना ही है, फॉर द राइट रीज़न, वो भी सही पर्पज़ के लिए, अच्छे रीज़न के लिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में सभी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिज रिचर्ड वॉज हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। जब से उनके पास ये बुक आई थी द मोनार्क द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इस बुक ने उनके लिए एक वर्ल्ड खोल दिया साइंस का, जो कि जिसने उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कभी भी रोका नहीं और कंटिन्यू ही किया, जारी ही रखा। ओके डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड बाय एंड टेक केयर।